नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करते हैं जो अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, लगभग आपको पता चल गया होगा। और अधीनस्थ बोर्ड है जो अध्यक्ष साहब है वो फुल फॉर्म है अभी, अब और होना भी ऐसा ही चाहिए कि हर चीज़ अपडेट रहनी चाहिए। तो उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया गया है। आज कैलेंडर जारी किया है 7 एग्ज़ाम का, और कौन सी CET में है, कौन सी नॉन CET में, उसके रिगार्डिंग, और 7 वैकेंसी कौन सी, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं अभी अपन इस वीडियो के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि पहले इसमें फर्स्ट जो LDC थी, अभी बताया गया था जैसे 4-5 दिन पहले CM साहब ने घोषणा की थी, उसकी भी डेट आ गई है, वो भी CET के अंदर है। कुछ एग्ज़ाम नॉन CET के हैं और बाकी लगभग CET के अंदर। ग्रेजुएशन में कौन सी है, नॉन ग्रेजुएशन कौन सी, वो चीज़ बात करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट एग्ज़ाम है पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो ये महिलाओं के लिए है और नॉन CET की होगी, और ये 22 जून को होगी। कब होगी, 22 जून को होगी, इसकी डेट 22 जून है, और नॉन CET के अंदर है ये जो फर्स्ट एग्जाम है पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती है 2024 की है, और 22 जून को एग्जाम फिक्स है इसकी, और ये नॉन CET के अंदर है। बाकी जो एग्जाम है इसके बाद में, तो इसके बाद में है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती, इसकी 13 जुलाई होगी, और ये भी CET के अंदर है, ये इसके अंदर केवल महिलाओं के लिए है। और एक पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता जो महिला सुपरवाइजर बोलते हैं अपन, वो है इसके अंदर, तो वो है 22 जुलाई को, 20 जुलाई को, और ये CET के अंदर है। ग्रेजुएशन वाले जो CET है वो है। तो ये तो है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, महिला सुपरवाइजर, और ये है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है ना, महिला परीक्षा से संबंधित, और ये 13 जुलाई को है, ये 20 जुलाई को। फिर उसके बाद में नंबर 4 पर छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अध्यक्ष 2 वैकेंसी हैं, ये सामाजिक न्याय से संबंधित है, सामाजिक सामाजिक न्याय विभाग, और ये अल्पसंख्यक मामला में, तो जो ये भी CET के अंदर है। तो छात्रावास अधीक्षक की भर्ती वो होगी 28 जुलाई को, तो जुलाई में देख सकते हो, जुलाई के अंदर पूरा हाउसफुल है। 13 जुलाई, 20 जुलाई और 28 जुलाई, और ये भी जो अधीक्षक है, जो हॉस्टल वार्डन बोलते हैं अपन, छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन है, तो ये दोनों भर्तियाँ CET के अंदर है, और ये 28 जुलाई को है, और ये 1 और 2 अगस्त को है। तो छात्रावास दूसरी है हॉस्टल वार्डन, वो है अल्पसंख्यक मामलात वाली, तो ये 1 व 2 को प्रस्तावित है, और ये भी CET के अंदर है, ठीक है। फिर बात करते हैं जो सबसे मोस्ट सबसे अवेटेड वैकेंसी है, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं सभी लगभग, ये अकाउंटेंट देने के बाद में सबके सब लगभग इसी की तरफ आ गए थे, वो जो लिपिक जो अपन LDC कनिष्ठ सहायक भर्ती है उसका, और अभी 2700 कुछ पोस्ट थी लगभग, नॉन TSP एरिया को मिला के 3500 थी, तो वो है इसकी लिपिक ग्रेड सेकंड और कनिष्ठ सहायक है, ये होगी 11 अगस्त को, और ये सीनियर सेकेंडरी है CET वाली, उसके अंतर्गत है, ठीक है। तो लिपिक वाली है 11 अगस्त को है, और फिर उसके बाद में पशु परिचर, ये भी सबसे बड़ी भर्ती है अभी, क्योंकि लगभग 5900 पोस्ट हैं इसके अंदर, और ये नॉन CET की है, और इसकी भी एग्ज़ाम डेट दे दी गई, यह है 21, 22, 23, 24 सितंबर को होगी 2024 के अंदर। तो पशु परिचर की डेट आ चुकी है, LDC की भी आ चुकी है। तो ये था कैलेंडर आज का जो अध्यक्ष बोर्ड ने जारी किया उसके रिगार्डिंग, और इसमें ज़्यादा सबसे अवेटेड है वैकेंसी सबसे बड़ी लिपि के, बड़ी तो नहीं बोल सकती क्योंकि पोस्ट कम कर दी काफ़ी घटा के, और फिर उसके बाद में पशु परिचर की। तो ये था जो अभी कैलेंडर जारी किया अध्यक्ष बोर्ड ने। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो CET का कि या तो 15 गुना देते हैं, तो 15 गुना का अब जो है वो मामला सही नहीं रहेगा, क्योंकि सीटें कम है कुछ पोस्ट है मालूम, ये जो हॉस्टल वार्डन है इनमें सीटें कम है, तो 15 गुना बहुत कम पास होंगे, तो अब मुद्दा ज़्यादा उठेगा क्योंकि ये है। तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कट ऑफ जो ग्रेजुएशन लेवल की है LDC के लिए कितनी जा सकती है, जो अभी रही थी उसी के रिगार्डिंग पता चलेगा, इसकी रिगार्डिंग, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।